कि दोनों ही तरफ की बात करते हुए क्विकली कि दोनों ही तरफ कुछ सीटों को लेकर इधर स्थिति है, तो वहीं कांग्रेस बार बार कम सीटों पर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में लगती है क्या आपको, या ये सिर्फ एक नरेशन है या एक नैरेटिव है जो सामने आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि सबसे पुरानी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी, आप देखिए कि किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं आज के कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में आज है कांग्रेस पार्टी, और जहां से जिसको मन जब मन चाहे दबाने की कोशिश कर रही है, चाहे उद्धव ठाकरे की बात करें चाहे शरद पवार की बात करें। अभी देखिए, इन्होंने महेश चौहान जी ने बहुत सारी बातें को रखा, उसमें से ये शायद भूल गए कि 2014 से लेकर के अब तक ये लोग सत्ता से बाहर हैं, और मुझे लगता है शायद इसी का गम इनको सता रहा होगा। और आज हरियाणा में अभी हाल में ही चुनाव हार के आए, उसके बावजूद भी इनकी आंखें नहीं खुली है। अभी देखिए, मैंने देखा कि जिस तरह के हालात हरियाणा में, जिस तरह की भ्रांतियां पैदा हुई थी, जिस तरह के स्वांग रचे जा रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है, और हमने देखा कि जो खास करके शैलजा जी के बीच में, कुमारी शैलजा और खास करके देवेंद्र हुड्डा में किस तरह से तनातनी देखने को मिली, और समाजवादी पार्टी की तो एंट्री ही नहीं हुई वहाँ पे। उसके बाद यही इसी तरह के हालात मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र में आज देखिए, सबसे पहली जो है सीट की बात, घोषणा करने की बात आई तो सबसे पहले जो दिखाया वो है भारतीय जनता पार्टी ने, और स्ट्राइक रेट की बात करें 2019 के चुनाव में तो मैंने देखा कि 164 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, और उसमें से 105 सीट जो है जीतने में सफल रही, और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 64% जो है स्ट्राइक रेट पे रही भारतीय जनता पार्टी। और आज देखिए कि महाविकास अगाड़ी, मतलब इसमें महायुति में कोई भी किसी भी तरह का कोई संघर्ष नहीं देखने को मिल रहा है, 150 से 56 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जैसा कि पता चला है, और उसमें से 78 से 80 सिंधे गुट, और बाकी जो 54 सीट है उस पर जो है अजीत पवार जी लड़ने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि दांव खेल दिया शरद पवार जी ने, इन्होंने कहा कि 85 85 85, तो इसी से आप आम जनता में एक मैसेज तो जाएगा ना कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, और उद्धव ठाकरे जी कहाँ है जो हिंदू हृदय सम्राट, वो तो दिख ही नहीं रहे। हिंदू हृदय सम्राट तो पता ही चल रहा है कि जब संभाजी नगर जब नाम चेंज कर दिया जाता है तो ये लोग छाती पीटने लगते हैं, भैया औरंगाबाद को संभाजी नगर क्यों कर दिया गया? हाँ। क्योंकि औरंगजेब का दर्द तो कहीं ना कहीं मुगलों के प्रति इन लोगों का प्रेम तो दिखता ही है, हर बार दिखा है। आज 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 देखिए उद्धव ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी थे ना जब सरकार में, पाल घर में, अभी इन्होंने बाबा सिद्दीकी तो चर्चा आपने कर दी, बाबा सिद्दीकी की आपने चर्चा कर दी, लेकिन एक बार भी इन लोगों की जवानी नहीं खुली थी जब साधुओं की पाल घर में निर्मम हत्या कर दी गई पुलिस के संरक्षण में, उसमें ये लोग कहां थे? विकास अगाड़ी कहां थे आखिर? उद्धव ठाकरे कहां थे? उद्धव ठाकरे की जो हिंदू हृदय सम्राट, उनकी विचारधारा के कतल करने वाले उद्धव ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट के विचारों के कतल करने वाले कोई है? वो है उद्धव ठाकरे। जब कांग्रेस की जब तक रहे बाला साहब जब तक रहे कांग्रेस की खिलाफत करते रहे, रोहन जी यहाँ बैठे हैं, रोहन जी इस बात का जवाब देंगे, प्रतिभा सुन लीजिए ना, रोहन जी यहाँ बैठे हैं, रोहन जी भी जवाब देंगे। पार्टी के राष्ट्रपति का इलेक्शन जनता जवाब देगी। बालाजी ने किसका सपोर्ट किया था? प्रणव मुखर्जी ने राष्ट्रपति के इलेक्शन में किसका सपोर्ट किया था? इमरजेंसी इस देश में लगाई उसका सपोर्ट किसका किया था? अरे आप इस तरह बात मत करिए जब आपको नॉलेज नहीं है, आप नहीं जानते हैं बाला साहब ठाकरे के बारे में, बयानबाजी मत करिए, आप अनाप शनाप बयानबाजी मत करिए, मैं देख आप सिर्फ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के शान है ना भाई, मान मान शान माना जाता है, लेकिन उनको सबसे पहले अपमानित किसने किया? छत्रपति अपमानित किया था, महाराष्ट्र में इतनी करप्शन, 10,000 करोड़ का, सुन लीजिए ना, आप बीच में बोलते रहिएगा तो मतलब नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर इतनी करप्शन है,
पूरे घोटाले बाद सरकार 10,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र के खजाने से लूट हुआ, पूरा आपने धराबी बेच दिया, पूरा अडानी को आपने जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा किसी ने लूटा है तो ये सरकार ने लूटा। डबल जो बातें हैं मैं उसको बताना चाहूंगा, ठीक है रोहन जी जल्दी से जवाब रखेंगे। देखिए अभी आपने बड़े दुख की बात ये है, रोहन भाई ये लोग जो धरातल से जो है जो धरातल से बिल्कुल डिटेच हो चुके हैं। अभी आपने हरियाणा की बात की, ठीक है, परिणाम है पूरे देश के सामने, इनको परिणाम मानना नहीं, यही तो अहंकार हुआ ना, और यही अति आत्मविश्वास है कि आपको धरातल की राजनीति मालूम ही नहीं है। आप मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, पूर्णिमा जी मैं ऐसे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, आपने बोल नासिर हुसैन साहब आपने अपना काउंटर रख दिया, सुन लीजिए मोहन जी बताएंगे, आपने कहा तो अब बता रहे हैं, सुन लीजिए। हरियाणा में देखिए, हरियाणा में पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से एक अति आत्मविश्वास और एरोगेंस की मैं बात कर रहा हूँ, अहंकार, ये दोनों की हार हुई है। उनकी सबसे बड़ी नेता शैलजा जो दलित राजनीति की बात कर रहे हैं, संविधान की कॉपी नकल ले लेके पूरे देश में घूम रहे हैं, दलित अधिकार की बात करें, ओबीसी अधिकार की बात करें, वहां पे उनके ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय जो चेयरमैन है उनने भी कहा कि क्या अन्याय हो रहा है, दलित को भी अन्याय हो रहा है। अरे कौन से मुंह से आप दलितों की बात करें, महाराष्ट्र में जो आपकी सीटें बची थी उसका मुख्य कारण ये था कि दलित सीटें आपकी तरफ डाइवर्ट हुई। अरे आपका जब दिखावा ही है तो कहां से जनता विश्वास करेगी आप पे। कल खड़गे जी का वीडियो पूरे देश के सामने, देखिए हकीकत पूर्णिमा जी है कि धरातल की राजनीति जब कोई दल हट जाता है तब ये परिस्थिति होती है, और वही हुआ शरद पवार जी ने खेला कर दिया। तो शरद पवार जी जब ठीक है, लेकिन शरद पवार जी ने मोहन जी खेला कर दिया वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। बोलिए बोलिए बोलिए, देखिए आज कभी जब नैरेटिव जो होता है, आज अगर ये तीनों पार्टी सेम चुनाव लड़ रही, दो पार्टी लड़ रही थी, उद्धव ठाकरे बोल रहे कि नहीं मैं तो सीएम का कैंडिडेट हूँ, कांग्रेस पार्टी कहती थी हमारी ज्यादा सीट है हम करेंगे, हम 100 से ऊपर लड़ेंगे, तीनों को नीचे लाके रख दिया शरद पवार। आप देखिए ये 85 का फॉर्मूला इतना उनको बैकफायर होने वाला है, ठीक है, लेकिन रोहन जी अगर आप स्ट्रेटजी वाइज जाएंगे तो इनकी 85 सीटें इसीलिए वाजिब नजर आती हैं क्योंकि 2009 में 82 सीटें, एक सेकंड हुसैन साहब 2009 में इन्होंने 82 सीटें जीती, 2014 में 42 जीती, 2019 में इन्होंने 44 सीटें जीती, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये 85 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो आप भी तो जब अपनी पार्टी की स्ट्रैटेजी आगे बढ़ाते हैं तो आप जीतने पर फोकस करते हैं ना, तो हो सकता है मुमकिन है कि वो भी इसी लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, पूर्णिमा जी मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, अगर हम लोग देखिए जब भी आप टिकट की बात करते हैं आखिरी चुनाव में क्या प्रदर्शन है उसके मैं आंकड़े दे रहा हूँ। आखिरी चुनाव के प्रदर्शन के हिसाब से शरद पवार जी की पार्टी 32 सीटें जीत रही थी, आखिरी चुनाव के प्रदर्शन के हिसाब से उद्धव ठाकरे 56 सीटें जीत रहे थे और कांग्रेस पार्टी 63 जीत रही है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 85 पे आ रहे हैं उसके पीछे है कि जो अति आत्मविश्वास और अहंकार दूसरी जगह दिखाया उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। ठीक है, मेरे पास अब बहुत क्योंकि कम समय बचा है, मेरे पास बहुत कम समय बचा है, 30-30 सेकंड का टाइमर रखेंगे और कोशिश करूंगी सबसे एक एक काउंटर ले पाऊं। सबसे पहले संजय द्विवेदी जी आपके पास आती हूं, और आपको ये सब सुनकर बहुत ज्यादा इसीलिए आप अचंभित नहीं हो रहे होंगे सर, क्योंकि 2020 में उद्धव ठाकरे यही कर चुके हैं कांग्रेस के साथ, मतलब कहने का मेरा ये है कि आप मान के चलिए जीत भी गए तो पावर शेयरिंग में जब बात आएगी तो आप जाहिर है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा एक हैसियत तो देंगे नहीं, और 2020 में सीएम की कुर्सी पाते पाते खो गए थे ये लोग। देखिए किसे हैसियत देंगे नहीं देंगे तो बात का विषय है, अभी का जो विषय है भी हमें गुलाबचंद जी कह रहे थे कि साहब इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया इसलिए हम अलग हो गए, और ये 2.5 साल बाद अलग हुए, ढाई साल बाद याद आई सर सिंधिया जी को, 2014 में जब चुनाव अलग अलग लड़ा गया था तो सिंधिया जी पार्टी में नहीं थे क्या, गुलाबचंद जी पार्टी में नहीं थे, हम लोग चुनाव अलग अलग लड़े 2014 में, और उसके बाद इन्होंने एनसीपी से गठबंधन करके सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद फाल समर्थन दिया गया, ठीक है द्विवेदी जी 30-30 सेकंड ही दे पाओ, 2.5 साल नहीं 2.5 साल इंतजार क्यों किया, नासिर भाई के ऊपर बोलना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता के ऊपर कि जिस जन से कह रहे हैं कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के शरणागत होती है, और वो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या जरूरत थी शरद पवार साहब के गोद में बैठने का, 10 जून 1999 भूल गए आप, जिस वक्त आपको छोड़ करके अपना राष्ट्रवादी दल बना दिए और फिर आकर के उद्धव ठाकरे के पास आप बैठ करके उनके गोद बैठे भूल गए, इस वक्त यही राहुल गांधी जब मुंबई में आए थे तो उनको जोड़ मार आंदोलन किए थे, ठीक है सर 30 सेकंड, तो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के इन लोगों को खुद विचार करने महेश शर्मा जी 30 सेकंड सर। पूर्णिमा जी देखिए
हरियाणा में कांग्रेस का अति आत्मविश्वास और अहंकार टूटा तो पूरी देश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का और एनडी गठबंधन का अति आत्मविश्वास और अहंकार टूटा उसके बारे में कौन बात करेगा। दूसरी बात, आप अजित पवार जी के प्रवक्ता से पूछिए कि 150, 100 और 40-50 ये सीटों का बंटवारा उनको अच्छा लगता है या 85-85-85 उनको अच्छा लगता है, बस ये दो सवाल। ठीक है, जहां पर लड़ रहे हैं वहां अच्छा लग रहा है नहीं, ये पूछ लेती हूँ। बृजमोहन श्रीवास्तव जी। पूर्णिमा जी, हमारे सामने सिर्फ एक मकसद है कि हम 288 सीटों पर अपनी पार्टी के अपने गठबंधन के ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव जितवाएं, और इसी बात को ध्यान में रख के हम लोगों ने तय किया। हम लोगों ने कहीं अपने 288 सीटों में हम लोगों ने अपने तीनों दलों के नेताओं को कहीं बांटा नहीं है, कार्यकर्ताओं को कहीं बांटा नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि 288 सीटें हमारी हैं और इसमें हमको जीतना है। तो हमारे तीनों दलों में जो हमको जीता हुआ प्रत्याशी दिखता है उसको हम लोगों ने टिकट दिया है, और मुझे लगता है कि जो प्रत्याशी हमारे सामने आएंगे वो महाराष्ट्र के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवारों में से एक होंगे, इसका मैं दावा करता हूं। मत क्रॉस करिएगा, बट प्लीज। हां बोलिए पूर्णिमा जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी हम ये कहें या कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कहें, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोकतंत्र और राजतंत्र की बात, वाकई में राजतंत्र अभी भी चल रहा है। जो सोनिया गांधी जी कहेंगे वही होगा, जो राहुल गांधी जी कहेंगे वही होगा। दलितों की बात करते हैं और कल हमने देख लिया कि किस तरह से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इन्होंने अपमान किया, कुमारी सैलजा का इन्होंने यहाँ पे अपमान किया। फिर उसके बाद फिर देखिए महायुति की बात करें तो स्पष्ट है कि जिस तरह की वोट मतलब सीट शेयरिंग हुई है, स्पष्ट रूप से इनका आप देखें परिणाम में भी इनको देखने को मिलेगा।